जैकपुरा थाना के अशोक विहार कॉलोनी स्थित सामुदायिक शौचालय में शुक्रवार की सुबह वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। काफी प्रयास के बाद मृतक की शिनाख्त मिर्जापुर जिले के चुनार थाना हसीपुर निवासी प्रेमचंद्र के रूप में हुई। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। परंपराओं के शहर काशी में कई जीवंत परंपराएं हैं। ऐसे में हिंदू महीने के अगहन माह के पहले जुमे को मुस्लिम बंधु नमाज अदा करके इस परंपरा को जीवंत करते हैं। शहर के पुराने पुल स्थित मस्जिद में मुस्लिमों ने इस परंपरा का निर्वहन करते हुए नमाज अदा किया। बताया जा रहा है कि ये परंपरा लगभग 450 वर्ष पुरानी है और मुगल बादशाह अकबर के जमाने से है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये परंपरा केवल बनारस में है। उमराहा स्थित सर्वेद महामंदिर में आयोजित 25,000 कुंडीय महायज्ञ में एक साथ 1.5 लाख दंपति आहुति देंगे। इसके साथ ही काशी के नाम एक नया कीर्तिमान भी जुड़ जाएगा। आयोजन के लिए 200 एकड़ में 14 नगर बसाए जा रहे हैं। वहीं 5 किलोमीटर लंबी अस्थायी सड़क भी बनाई जा रही है। आयोजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को सर्वेद मंदिर के लोकार्पण समारोह में शामिल हो सकते हैं। महामंदिर प्रांगण में 17 और 18 दिसंबर को 25,000 कुंडीय महायज्ञ किया जाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 45वां दीक्षांत समारोह 11 दिसंबर को आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेधावियों को मेडल देंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर महकमा अलर्ट हो गया है। शुक्रवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद राजपूत ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान इंतजाम देखे, साथ ही आग आदि से सुरक्षा के बाबत रणनीति भी तैयार की। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने शुक्रवार को काशी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से संचालित व्हाट्सएप कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने यह जानकारी लिया कि किस प्रकार व्हाट्सएप पर शिकायतें प्राप्त की जा रही है एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया क्या है। कमांड सेंटर के आईटी ऑफिसर विद्या प्रकाश दुबे ने बताया कि 7 दिसंबर को कुल 171 शिकायतें प्राप्त हुई। इसे संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेज दिया गया है तथा कुछ शिकायतें नगर निगम से संबंधित नए कार्य कराए जाने के संबंध में प्राप्त हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चौपाल का आयोजन शुक्रवार को प्रधानमंत्री के गोद लिए जयपुर गांव में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर रहे। उन्होंने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही इनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। कैबिनेट मंत्री ने सरकार से संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। गंगा वरुणा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर निगम अब कड़े रुख अपनाने की तैयारी में है। नगर निगम ने गंगा व अन्य सहायक नदियों की निर्मलता बनाए रखने के लिए अब गंगा में पूजा सामग्री अथवा अपशिष्ट पदार्थ फेंके जाने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही गंगा घाट पर कपड़ा धोने वालों के लिए भी नगर निगम ने जुर्माना निर्धारित किया है। गंगा घाट पर कपड़े धोने पर पकड़े जाने पर पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 व तीसरी बार 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने गुरुवार देर रात बारिश के कारण बढ़ती ठंड में बाहर खुले में रात बिताने वालों को आश्रय देने के लिए बनाए गए आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। बढ़ती ठंड में आश्रय स्थलों में गरीब रिक्शा चालक पटरियों और चबूतरों पर खुले में सोने वालों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को देखने के लिए सिकरौल स्थित आश्रय स्थल पर औचक निरीक्षण किया। सबसे अहम बात ये रही, इस दौरान खुद जिलाधिकारी एस राजलिंगम आम आदमी की तरह पैरों में हवाई चप्पल और लोअर पहने ही व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकल पड़े। महादेव की नगरी काशी में भूमा अध्यात्म पीठ की ओर से आयोजित आराधना दिवस के अवसर पर भूमा घाट पर 25 फुट ऊंचे अमृत कलश पर नटराज विग्रह की स्थापना की गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। अमृत कलश स्थापना पूजन में शामिल हुए, वहीं व्यास पीठ को प्रणाम किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। कार्यक्रम में 4 कथाओं शिव पुराण, श्री भागवत कथा, राम कथा और देवी पुराण सहित 18 पुराणों का समागम हो रहा है। डिप्टी सीएम ने श्री काशी विश्वनाथ धाम और मां गंगा का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। तटके समीप पहुंच करके मन बहुत आह्लादित है। आज काशी पूरी दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि हम काशी आकर के भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें, और काशी बहुत तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। आज यहाँ गंगा तट पे भगवान भूमा तीर्थ महाराज जी के द्वारा एक ट्रस्ट के द्वारा एक बड़ी प्रतिमा, मैं कह सकता हूँ भगवान भोलेनाथ नटराज जी की स्थापित की जा रही है। ऐसे अवसर पर मैं भूमा तीर्थ महाराज जी के ट्रस्ट पूरे ट्रस्ट परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ। हमारे साथ वाराणसी के महापौर आदरणीय अशोक जी, माननीय मंत्री दयालु जी, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी और सभी जनप्रतिनिधि हैं। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपके परम मित्र, आपके परम मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर, आपके सहयोगी कब बन रहे हैं? तो सहयोगी हैं ही हैं।
मंत्रिमंडल स्थाई है, स्थाई सहयोगी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। जनता ने मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है और सभी लोग मानते हैं कि माननीय मोदी जी हमारे अभिभावक हैं। आप सब जानते हैं कि विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम के बारे में प्रश्न उठाता है, जीतता है तो ईवीएम अच्छी बोलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 43वें दौरे पर काशी आएंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी 17 और 18 दिसंबर को काशी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम जनसभा के दौरान शहर से लेकर देहात तक करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर के रूप में स्थापित सर्ववेद महामंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही फुलवरिया 4 लेन अमूल प्लांट, सारनाथ सौंदर्यीकरण समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।